नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्येष्ठ 2015 के थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इस थर्मोडायनेमिक्स के लिए लेक्चर को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराई दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टू ए फाइनल वॉल्यूम अल्फा इंटू वी एंड ए वर्क डब्ल्यू इज डन ऑन द सिस्टम इज डूइंग सो द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी। तो हमें जो इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है जस्ट 2015, तो हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो है V, फाइनल वॉल्यूम है V2 है अल्फा V, और हमें एक डाटा और दे रखा है गामा इक्वल टू CP/CV, ये दे रखा है जी। और जो हमारा प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है, तो हमें ज्ञात करना है कि द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हमें ज्ञात क्या करना है, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखिए जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, आपको पता है कि जो प्रोसेस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल होता है P2V2 - P1V1/1 - γ, ये वर्क डन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट करनी है और हम अपना जो राइट आंसर है उस तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है PV γ = constant, ये आपको पता होगा PV γ = constant होता है। तो यहाँ से आप लिखिए P1V1 γ = P2V2 γ। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारा P2 है उसको हम फाइंड कर सकें। यहाँ से हम जो हमारा P2 है उसकी वैल्यू को P1 की जगह रखेंगे। तब देखिए V2 को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, तो P1V1/V2 γ = P2। लेकिन यहाँ पर तो आप यहाँ पर P1 की वैल्यू निकालिए, क्योंकि वहाँ पर हमें पुट करना है। तो P1 किसके बराबर होगा, P2V2/V1 γ। तो अब देखिए P1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर इसको पुट कीजिए। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो है अल्फा वी, तो P2 ये W के इक्वल है, P2V2 है अल्फा वी माइनस जो प्रेशर P1 है, P1 की वैल्यू ये है हमारे पास P2V2/V1γ/1 - γ। ये यहाँ पर हमने P1 की वैल्यू रख दी, लेकिन जो हमारा V1 है वो है V। तो यहाँ से देखिए क्या है, P2 को कॉमन ले लीजिए, अल्फा V और V भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा अल्फा और माइनस P2 कॉमन आ गया। हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है अल्फा टाइम V, इनिशियल वॉल्यूम है V, तो V से V कैंसिल, यहाँ पर बचेगा अल्फा की पावर गामा, V हमने कॉमन ले रखा बाहर, और नीचे 1 - γ। तो जो वर्क डन है वो इतना आ गया। अब यहाँ से P2 की वैल्यू हमें फाइनल वॉल्यूम जो प्रेशर वगैरह करना है, तो P2 को इधर रखिए और इसको ट्रांसफ़र कीजिए, तो W1 - γ/V α - α γ, ये इसका राइट आंसर होगा। तो
इसका जो राइट आंसर दे रखा है हमें वो है ऑप्शन नंबर सी, उसमें दे रखा है गामा अपॉन वी डब्लू अपॉन वी वन माइनस गामा अल्फा माइनस अल्फा की पावर गामा, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह किया। ये हमारा जो प्रोसेस था वो हमें एडियाबेटिक बता रखा था, तो एडियाबेटिक में जो वर्क डन होता है वो होता है पी टू वी टू फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम वन माइनस गामा। तो यहाँ से जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें पी वी गामा कॉन्स्टेंट होता है, तो हमने यहाँ से पी वन की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ वी टू। तो यहाँ से पी वन की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया और हम अपने जो हमारा फाइनल वॉल्यूम जो हमारा फाइनल प्रेशर रिक्वायर्ड था उसको हमने आंसर के रूप में गेट कर लिया, ये प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जेस्ट 20 2015 का। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, आपको जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि ए ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर ऑफ 6000 केल्विन इमिट्स ए रेडिएशन हुज इंटेंसिटी स्पेक्ट्रा पीक एट 6000 नैनोमीटर। जो इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रा पीक है वो हमें 6000 केल्विन पर इमिट रेडिएशन कर रही है, और जो लैम्डा वन है वो दे रखा है हमें 600 नैनोमीटर, और जो टेम्परेचर T1 है वो दे रखा है 6000 केल्विन। तो ये आपको आगे क्या कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 300 केल्विन, यदि टेम्परेचर 300 केल्विन से रिड्यूस कर दिया जाए तो इस जो हमारे स्पेक्ट्रा विल बी एट यदि T2 है वो 300 केल्विन कर दिया जाए तो लेमडा 2 क्या होगी। तो जो हमारा लेमडा और जो टेम्परेचर में जो रिलेशन होता वो था टेम्परेचर लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से लेमडा टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सम कॉन्स्टेंट अज्यूम कर सकते हैं, तो लेमडा वन टी वन इक्वल्स टू लेमडा टू टी टू ये आ गया। अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास लेमडा वन है 6000 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर और T1 है 6000 केल्विन इक्वल्स टू हमारे पास लेमडा 2 है, लेमडा 2 हमें ज्ञात करना है और जो T2 है वो है 300 केल्विन। तो दो बिंदु से दो बिंदु ये गई तो लेमडा 2 आएगा हमारे पास 600 नैनोमीटर इंटू अपॉन 3, ये दो बार 200 नैनोमीटर इंटू 600, तो ये कितना आया 12 नैनोमीटर। तो शायद कहीं पर मिस्टेक हुई है, ये यहाँ पर दो बिंदु से वन आएगा तो ये 12000 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 12000 10 की पावर प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो ये आएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, तो ये आएगा 12 माइक्रोमीटर। ये आएगा लेमडा 2 की वैल्यू है 12 माइक्रोमीटर, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब जो हमारा जेस्ट 2015 के जो क्वेश्चन रह गए उनको देखेंगे हम अगले लेक्चर में।